नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश जायसवाल स्वागत करता हूं आपका एसे टेक वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूं कि किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कैसे करें, किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड हम कैसे हटाएं। तो आज आइए, सबसे आसान तरीका इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, आपका डाटा ऑन होना चाहिए, प्ले स्टोर पर आपको जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लिए, काफ़ी आसान तरीके से आप उसे बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है बैकग्राउंड इरेजर, क्या लिखा है बैकग्राउंड इरेजर, तो यहाँ आ गया है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो बैकग्राउंड इरेजर को हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आएगा बैकग्राउंड इरेजर, जो कि 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। हमने डाउनलोड कर लिया है, तो ये ओपन का सिंबल दे रहा है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका काफ़ी आसान इंटरफेस है, तो यहाँ लिखता है सिलेक्ट ए फोटो, यहाँ पर है फ़ोटो एक सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद जो भी होगा मैं आपको आसानी से बताऊँगा। जी हाँ, यहाँ से आप फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट आसानी से करिए। तो किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड जैसे हम हटाना चाहें, उसे हम पहले से ही सेटिंग कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे। उसे हटाने के बाद हम यहाँ से ऊपर प्लस का आइकन, प्लस का सिंबल है, सही का सिंबल है, उसे हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये अगला इंटरफेस खुल कर आएगा। उसमें यहाँ नीचे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ है एक्सट्रैक्ट है, ऑटो है, मैजिक है, मैनुअल है, रिपेयर, जूम का ऑप्शन है। मैं आपको काफ़ी ऑप्शन, मैं ऑटो का सबसे पहले यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। अब किसी जगह पर आप क्लिक कर देंगे, वो अपने आप कैश कर लेगा। देखिए, आप वहाँ ले जाकर छोड़ भर दीजिए, बैकग्राउंड को आसानी से कैश कर रहा है, देख लीजिए। और एक मैजिक है, मैजिक पर आप जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे वो अपने आप कैच करता चला जाएगा, देखिए आसानी से। ये सबसे आसान तरीका है बैकग्राउंड इरेज करने का। यदि हम इरेज करना चाहें तो देखिए आसानी से इरेज कर सकते हैं। और एक मैनुअल है, अगर कहीं छूट जाता है, जैसे यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, तो आप इसे आसानी से अपने हाथ से ऐसे इरेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सबको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कैसे भी इरेज करके आपको, ठीक है। चलिए देखिए, हमने बैकग्राउंड को इरेज कर दिया है, काफ़ी इरेज कर दिया है, थोड़ा सा बचा है उसे आसानी से हम यहाँ से इरेज कर देंगे। देखिए हमारा ये हो गया है। इरेज हो जाने के बाद सबसे ऊपर आपका जो है सही का सिंबल दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो ये आगे पेज खुल जाएगा। ये स्मूथ की बात करता है, देखिए जैसे भी आपका अगर कहीं गलती से कट गया है तो आप यहाँ से दिया गया है स्मूथ का नंबर दिया गया है, 1, 2, 3 से लेकर 5 तक दिया गया है। आप किसी पर भी क्लिक करके यहाँ सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए, यह इमेज आपका सेव हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है यूज ए व्हाट्सएप स्टिकर के लिए भी, सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप स्टिकर के लिए भी आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मली करना है, तो यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका, एक आपको ऐड देखना पड़ेगा, ये फ्री ऐप है इसलिए एक आपको ऐड देखना पड़ेगा, मात्र 10 से 15 सेकंड का। जो आप ऐड देखते हैं, ऐड देखने के बाद आपका ये सफल हो जाता है। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा, आई बटन पर वीडियो का लिंक है, पिछले वीडियो का लिंक आई बटन पर है, आप जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका ये हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कर लें।